Hello students, welcome to my channel Home Education. Today I will give the summary of the road not taken of class 9 beehive CBSE board. And मैं आपको बताऊंगा इस poem की easy summary क्या है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस poem को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक सिंबलिक कवि हैं, सिंबलिक पोएट हैं. ये अपनी पोएम में सिंबल का यूज करते हैं और सिंबल के जरिए ये बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं. तो जैसे कि इस पोएम में इन्होंने रोड सिंबल लिया है, फॉरेस्ट सिंबल लिया है, वुड लिया है यानी जंगल लिया है, और इन्हीं सिंबल के जरिए कवि कुछ बताना चाहते हैं. आइए हम जानने का प्रयास करें. इस पोएम में कुल चार स्टैंजा हैं. तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआती दो स्टैंजा के बारे में बताना चाहता हूँ. पहले स्टैंजा में कवि कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड. कवि कहता है कि एक येलो वुड में, यानी कि एक ऐसा जंगल जहाँ पर पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं और वहाँ के पेड़ जो हैं उनमें पीले पीले फूल लगे हुए हैं, उस जंगल से दो रोड, दो सड़कें अलग अलग दिशा में जाती हैं. आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और कभी कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दुखी हूँ कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता. तो लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपको जंगल के बारे में बताया जा रहा है, सड़क के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये इसका वास्तविक मीनिंग नहीं है. इसका वास्तविक मीनिंग ये है कि जब एक व्यक्ति शिक्षा लेता है तो शुरुआती शिक्षा लेते लेते फिर वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आता है जहाँ से उसे कोई एक प्लेटफॉर्म चुनना होता है और वही उसके जीवन का लक्ष्य बनता है, वही उसके जीवन को बनाता है. कभी कभी हम लोगों के सामने डबल एम मिलते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एम ही अच्छे हैं हमारी लाइफ के लिए और दोनों विकल्प ही अच्छे हैं. तो कभी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, दिखने में ही दोनों विकल्प अच्छे लगते हैं लेकिन हमें इनमें से एक ही चुनना होता है. जिस तरीके से दो सड़कें दिख रही हैं और दोनों सड़कों पे तो एक इंसान चल नहीं पाता, चल नहीं सकता, उसी प्रकार. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकेड डाउन ऑन डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. कभी कह रहा है कि क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस सड़क से होकर कहाँ तक जाना है या मैं इस सड़क से कहाँ तक जा सकता हूँ, कौन सी चुन सकता हूँ और कहाँ तक जा सकता हूँ. तो ये था स्टूडेंट्स पहले स्टैंजा का हिंदी. और दूसरा स्टैंजा आप ध्यान दें, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. कभी कहता है कि ये जो दूसरी वाली सड़क है ये भी मुझे साफ सुथरी लगती है, एंड हैविंग परहैप्स इन द बेटर क्लेम, और ये भी बेटर होने का दावा करती है. देखिए ये तो सिंबल है लेकिन अब इसका रियलिस्टिक मीनिंग क्या होगा. कभी कभी जब हम पहला करियर चुन लेते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा वाला भी हमारा जो करियर है या दूसरा भी जो हम एम बनाए हुए हैं वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा होने का दावा करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है. तो कभी कहता है कि हमें बिल्कुल देव प्रतीक होना चाहिए, जिस राह पे हम चलें उसी पर ही हमें चलना चाहिए, दूसरे पे चलने की कोशिश नहीं करना चाहिए. हालांकि वो भी ललचाते हैं हमें, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. कभी कहता है ये जो दूसरा वाला रोड है इसमें भी घास लगी हुई है और ये भी चाहता है कि इस पर भी कोई चले. अर्थात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक करियर को जब हम चुनते हैं तो दूसरा करियर भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, उसमें भी कई सुविधाएं होती हैं और हमें लगता है कि हमें वहाँ भी जाना चाहिए.
लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम. फिर कभी कहता है कि चाहे हम पहले वाली सड़क पे चलें और अंत तक जाएं या दूसरी वाली सड़क पर अंत तक जाएं, तो जो थकान होगी, जो वार्न होगी, वो तो इक्वल होगी, तो क्यों ना हम सारी एनर्जी इसी एक तरफ लगाएं. तो ये था आज की पोएम, क्या जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, के दो स्टैंजा का हिंदी मीनिंग और समरी, और दो स्टैंजा का मीनिंग मैं अगले पार्ट में बताऊंगा. धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे.